हेलो हेलो एवरीवन, सिर्फ क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर है। यहाँ हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा बात बताते हैं, जो हम बता चुके हैं। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मल्टी सेलुलर और यूनि सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर और यूनि सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर में हम प्योरली यूकैरियोटिक को रखते हैं और यूनि सेलुलर में हम यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक को भी रखते हैं। यूनिसेल्यूलर में यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम उसी के अबाउट क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपके सामने प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं उसको आप लोग देखिए गौर से। तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर हम बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का हम सबसे ऊपर वाला लेयर ये बना रहे हैं। हम एक-एक करके चीजों को बताते जाएंगे, आपको धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आती जाएगी अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम एक सबसे ऊपर लेयर बना लिए और इसको हम बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स है ना, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इसका नाम रखेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले, ग्लाइको कैलिक्स के बारे में। अब हम ग्लाइको कैलिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्लाइको कैलिक्स को। हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, जिसमें से पहले पार्ट को जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, जबकि जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट को हम स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। जो स्लाइम लेयर होता है वो लूज होता है, जो स्लाइम लेयर होता है वो लूज होता है, और कैप्सूल जो है वो थिक एंड टाइट होता है, ठीक है, टाइट होता है। अगली बात ये जो ग्लाइको कैलिक्स है यानी कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद जब हम सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड लेयर को हम सेल वॉल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं, है ना। एनसीईआरटी इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा लाइन लिखती है जो हमको बहुत अच्छा लगता है हरदम, है ना। हम आपको अभी अभी बताएंगे, ठीक है, अभी हम भी वो बात आपको बताएंगे। देखिए, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सेल वॉल लिख दिए, इसको क्या लिख दिए, सेल वॉल लिख दिए। अब एनसीईआरटी इसके बारे में बड़ी अच्छी सी लाइन कहती है कि सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो एब्सेंट है। तो अब एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम माइको प्लाज्मा है। प्लाज्मा इसके बारे में क्लास 8th में भी डिस्कशन किया गया है। माइको प्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट, वो इस, अच्छा इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। 8th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ, यहाँ बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे पहली बात ये है कि ये क्या होता है, विथाउट सेल वॉल होता है। विथाउट सेल वॉल होता है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। और ये सेल वॉल नहीं होने के वजह से अपना शेप जो है वो कंटिन्यूअस चेंज करते रहता है। सेल वॉल नहीं होने के वजह से ये अपना शेप जो है वो कंटिन्यूअस क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। इसलिए हम जोकर प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसको। दो बातें आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। किसी ने कहा कि सर वायरस नहीं हो सकता, बोले वायरस जो है वो नहीं हो सकता है क्यों, क्योंकि
क्योंकि वायरस सबसे पहली बात है ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉन सेलुलर नहीं कह सकते, ए सेलुलर कह सकते हैं कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर है पहली बात। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि वो कंडीशनल लिविंग है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो लिविंग है और बाहर है तो नॉन लिविंग है, मतलब वो लिविंग और नॉन लिविंग के क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं कर पाता है, बाउंड्री लाइन पे है, उसको लिविंग बोले या नॉन लिविंग इसका डिस्कशन अभी बाकी है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट हो गया, मतलब कि सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ पे होता है। अब जब हम इसके एक लेयर और बनाएंगे इसके नीचे, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे, और इसको हम डिसकंटिन्यूअस अभी बना रहे हैं, पर क्यों डिसकंटिन्यूअस बना रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ये डिसकंटिन्यूअस बहुत जगह पे होता है, लेकिन हम दो जगह पे ही बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिप्लाज्मिक, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ही कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ही कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में हम बात किए सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल के बाद में हम बात किए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये आउटर से इनर, यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड जब हम मूव करते हैं तो हमको सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता है, फिर सेल वॉल देखने को मिलता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर टू हो गया और ये स्ट्रक्चर नंबर थ्री हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक हमने तीन स्ट्रक्चर को देख पाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगला बात जो करेंगे वो होगा आउटग्रोथ के बारे में, और जो आउटग्रोथ होता है वो सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है ना। कहाँ से अराइज होता है, सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है, और सेल मेम्ब्रेन से जो अराइज होता है हम उसके बारे में ही बात करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, और इसको फ्लेजिला कहते हैं। फ्लेजिला कहीं ना कहीं मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिला बोलते हैं, फ्लेजिला है ना, फ्लेजिला बोलते हैं। और फ्लेजिला कहीं ना कहीं सेल मूवमेंट में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है ना, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा दो आउटग्रोथ और है, जिसमें से एक को हम फिम्ब्रियाई का नाम देंगे, ठीक है। और एक और है जिसको हम पिलाई का नाम देंगे, फिम्ब्रियाई, एंड ये रहा पिलाई, है ना, पिलाई। तो फिम्ब्रियाई और पिलाई का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर पांच हो गया और ये स्ट्रक्चर नंबर छह हो गया, ये स्ट्रक्चर नंबर पांच हो गया और ये स्ट्रक्चर नंबर छह हो गया। फर्क सकते एक बात, जो आउट ग्रोथ है यानी कि सेल से जो आउट ग्रोथ निकला है उसमें फ्लेजिला, फिम्ब्रियाई और पिलाई शामिल है। अगला बात हम करते हैं, जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, वो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करें फिम्ब्रियाई के बारे में और पिलाई के बारे में, तो फिम्ब्रियाई और पिलाई आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होते हुए भी, फिम्ब्रियाई और पिलाई आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होते हुए भी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट पार्टिसिपेट इन मूवमेंट, तो फिम्ब्रियाई और पिलाई हेल्प नहीं करता है किसमें, मूवमेंट में। ये फिम्ब्रियाई जो है वो सबस्ट्रेट पर एडहेशन यानी कि चिपकने का काम करता है, और पिलाई कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन का काम करता है। फिम्ब्रियाई जो है वो एडहेशन का काम करता है यानी कि सरफेस पे चिपकने का काम करता है, जबकि पिलाई के बारे में अगर हम बात कर ले तो पिलाई जो है वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो अभी तक कुल मिलाकर के हम छह स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए, अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके भीतर में राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, फिर कोई डबल यूनिट के साथ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और ये जो राइबोसोम है, खास बात क्या है यहाँ पे,
इस राइबोसोम जो है वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। याद करो हम अलग अलग बात बताए थे कि साइटोप्लाज्म राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम यहाँ पे जो है, ये राइबोसोम जो है वो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है सर, ये प्रेजेंट है हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमको डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर, कैसा, डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देंगे, जिसको हम किसका नाम देंगे बोलो, प्लाज्मिड का नाम देंगे। ठीक ना, तो ये ध्यान से सुनना एक बार। जैसे कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में, ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जगह को हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। उसके बाद में जब हम आगे चले तो तीन स्ट्रक्चर के बारे में बात किए, फ्लेजिला, फिम्ब्रिय और फिलेट, और इन तीनों को हम आउटग्रोथ ऑफ सेल कहें। क्या कहें, आउटग्रोथ ऑफ सेल कहें। अब आउटग्रोथ ऑफ सेल तो कहे, पर साथ के साथ में ये बोले कि जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है जबकि फिम्ब्रियाई और फिलेई मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद में हम आगे चले तो ये बोले कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, पर राइबोसोम का लोकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। पर राइबोसोम का लोकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। और ये जो राइबोसोम है वो 70S होता है। कैसा होता है, 70S होता है। अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे। ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं। सबसे पहली बात है कि ये सर्क्यूलर है ना, डबल स्टैंडर्ड है, सर्क्यूलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और साथ के साथ में हम इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये जो प्लाज्मिड है वो डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसमें पार्टिसिपेट करता है, डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड कह रहे हैं। अग्नि, तो ये हो गया हमारे पास प्लाज्मिड। अब हम इससे आगे चलते हैं, तब हमको सर्क्यूलर और फिर से डबल स्टैंडर्ड, सर्क्यूलर और डबल स्टैंडर्ड, कैसा, सर्क्यूलर और डबल स्टैंडर्ड एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक ना, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोइड है वो डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर है। कैसा है, डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर है, लेकिन ये मेन क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये कौन है, मेन क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक ना, मेन क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहां तक हम कितने स्ट्रक्चर तक पहुंच गए, राइबोसोम हुआ हमारा 7वां स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड हुआ हमारा 8वां स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोइड हो गया हमारा 10वां स्ट्रक्चर, सॉरी 9वां स्ट्रक्चर। तो यानी कि 9 के बारे में हम बात कर लिए, इसके बारे में बात कर लिए, 9 के बारे में बात कर लिए। इसके अलावा जो ये सेल है उसमें इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होता है। जो सेल है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये कौन सा है, इंक्लूजन बॉडी इसको कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 10, यानी कि ये 10 स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकला होता है, उस सेल मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकला होता है, और इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको हम क्रो सॉरी क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। और ये जो क्रोमेटोफोर है वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि साइनो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि क्रोमेटोफोर का मतलब हो गया एस लाइक क्लोरोप्लास्ट, जिस तरह से क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक में होता है क्लोरोप्लास्ट, उसी तरह से क्रोमेटोफोर यहाँ होता है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, है ना, बाकी में प्रेजेंट नहीं होगा, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक में प्रेजेंट नहीं होगा। तो साइनो बैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ही आउटग्रोथ से एक स्ट्रक्चर और निकला होता है, सेल मेम्ब्रेन के ही आउटग्रोथ से एक स्ट्रक्चर और निकला होता है जिसको हम मीजोजोम का नाम देते हैं। जिसको हम किसका नाम देते हैं बोलो? मीजोजोम का नाम देते हैं, मीजोजोम का नाम देते हैं। और ये जो मीजोजोम है वो एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होगा, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोजोम एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह से यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में मेसोजोम होता है। और जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में कौन होता है? क्रोमेटोफोर होता है। तो ये बात भी हमको समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रक्चर है वो 12 स्ट्रक्चर ऐसा है जो कहाँ प्रेजेंट है, जो पूरे पूरी से कहाँ प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम कुछ बातें यहाँ पे करते हैं। जैसे कि पहला बात हम ये करेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 और 3 यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स शेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1, 2 और 3 को सेल इनवलप कहते हैं, सेल इनवलप इनवलप कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? सेल इनवलप कहते हैं। तो मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 को क्या कहते हैं? सेल इनवलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल इनवलप कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट है, जो मतलब कि सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ना। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको सभी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, है ना। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, या फिर आप इसी को ऑल बैक्टीरिया के साथ क्या कर सकते हैं? ऑल प्रोकैरियोट, मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोट है सब में, जितने भी प्रोकैरियोट है सब में देखने को मिलता है। और वो स्ट्रक्चर कौन कौन है? तो वो है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा न्यूक्लियोइड, और चौथा स्ट्रक्चर आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? कंडीशनल है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में इसमें से कुछ प्रेजेंट हो सकता है, कुछ प्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये चार स्ट्रक्चर ऐसा है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड और राइबोसोम, ये सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ये सभी के सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा। एक बात और करते हैं, है ना। और अगला बात ये है, और अगला बात ये है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में सिमिलर स्ट्रक्चर यानी कि एग्जैक्ट सिमिलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। तो
सिमिलर या सेम बोल सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर क्या बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो। तो ये था हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक के अबाउट, है ना। अब हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था, अब हम ऑल अबाउट सेल के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे कि अलग से यूकैरियोटिक के बारे में स्पेशली बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके बाय।